अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। हमेशा की तरह आपके साथ उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे और सर्दियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बार बार क्लिनिक में पूछा जाता है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आपकी कुछ कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। उसको मैं क्लियर करने के लिए ये टॉपिक रखना चाहती हूँ। क्वेश्चन है अबाउट हाइफू। आप सुनते हैं हाइफू करने से ये हो जाएगा, हाइफू करने से ऐसे हो जाएगा और हाइफू करने से जो है वो आप 10 साल पीछे चले जाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। हाइफू क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। हाइफू का मतलब है या एब्रीविएशन ये जिस चीज की है वो है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं उसी तरह से ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, लेकिन ये हाई इंटेंसिटी होती हैं और फोकस्ड होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल लाइट होती है और लेजर लाइट होती है। नॉर्मल लाइट जो है वो स्प्रेड होती है और लेजर लाइट जो है वो फोकस्ड होती है। उसी तरह से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं ये फोकस्ड होती हैं। ये क्या करती हैं, क्योंकि ये फोकस्ड होती हैं तो ये आपके स्किन के डिफरेंट लेवल पे जाती हैं, सुपरफिशियल लेवल पे भी जाती हैं और डीप लेवल पे भी जाती हैं और वहां पे जाके डिस्ट्रक्शन करती है, बट कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन करती है। इसका ये मतलब हुआ कि ये इस किस्म की क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन करती है जो कि कैलकुलेटेड होती है, और डिस्ट्रक्शन के बाद आपका अपना ब्रेन जो है वो वहां पे कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवा देता है। तो क्या होगा कि आपकी अपनी स्किन जो है वो कॉलेजन इलास्टिन जो है वो उसको बिल्ड करेगी। नेवरदलेस ये क्योंकि डेप्थ में भी काम कर रही होती है तो उससे आप ये समझ लो कि क्योंकि जो टाइटनिंग इफेक्ट है वो आता है तो आपको लग सकता है कि स्किन खिंचने और टाइटनिंग इफेक्ट की वजह से आपकी जो फेस की शेप है वो भी आपको पहले से स्लिमर लुक दे सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो वो कुछ समझ में आ गया होगा। इसको यूज किस लिए करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये काम कैसे करता है या इसका काम करने का तरीका क्या है हाइफू का, तो फिर ये करता क्या है। जब भी आप एक कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन देंगे स्किन में तो वहां पे रीबिल्ड करने के लिए कोलेजन इलास्टिन को या कंस्ट्रक्शन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आपका ब्रेन जो है वो क्या कहते हैं इंडिकेशंस देगा आपकी स्किन को और उसके अंदर दोबारा से एक रीजुविनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, उसको दोबारा से नए बनाने का या नए बनने का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। इससे क्या होगा, इससे आप देखेंगे कि आपकी जब नई कोलेजन इलास्टिन बनेगी, जब रीजुविनेशन होगी तो आप चेक करेंगे कि आपकी स्किन का टेक्सचर यानी कि अगर ओपन पोर्स हैं या फाइन लाइंस हैं वो बेहतर हो जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि अरेज हो जाएंगी, मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो जाएंगी, मैंने ये कहा है कि वो बेहतर हो जाएंगी। उसके अलावा क्योंकि नई कोलेजन इलास्टिन बनेगी और टाइटनिंग इफेक्ट आएगा तो आपको फेस की स्किन जो है वो पहले से सैग कम करती हुई लगेगी, लटकी हुई कम लगेगी। ये दो चीजें जो हैं वो ये करता है। बेसिक जो इसका काम है वो रीजुविनेशन कराना है आपकी अपनी स्किन से। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम स्किन के अंदर डाल रहे हैं, सिर्फ खाली जो है वो वेव्स हैं और वो जो है वो आपकी अपनी स्किन की कैपेबिलिटी से या आपकी अपनी स्किन से काम करवाती हैं, जो कि एज के साथ, टाइम के साथ या किसी भी किस्म के केमिकल इंसल्ट हो गया या सनलाइट इंसल्ट है या किसी भी वजह से आपकी स्किन के अंदर जब रिजुविनेशन का प्रोसेस कम हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है तो ये उसको प्रमोट करेगी, उसको जगाएगी और दोबारा से ये चीजें आपकी स्किन में बनवाएगी। अब हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसका क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या, वो तो सीधा कहता है मैं हाइफू करवाने आई हूं, क्या आप इस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, क्या आपको लग रहा था या आपको 100% श्योरिटी है कि आपकी स्किन पे इसी की जरूरत है और जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं वो इसी के थ्रू हासिल होगा। अगर आप अपनी इवैल्यूएशन इतनी अच्छी कर सकें और इतना अच्छा डिसीजन ले सकें तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन की, हमारे ओपिनियन की या हमारी कंसल्टेशन की क्या जरूरत है। उसकी ये जरूरत होती है कि समटाइम्स आपकी यहां पे इस जगह के ऊपर जो है वो फोल्ड्स आए हुए, रिंकल्स पड़े हुए हैं, फिर आपके यहां पे ट्रांसवर्स रिंकल्स पड़े हुए हैं, यहां पे आपकी 6-8 लाइनें आ चुकी हुई हैं, यहां से वॉल्यूम लॉस है और यहां से स्किन खत्म, यहां से फैट खत्म हो गई है, वॉल्यूम लॉस है, स्किन नीचे को लटक रही है,
फिर आपके नेजोलेबियल फोल्ड्स बहुत डीप हैं, फिर आपका जो आपकी जो माउथ के एंगल्स हैं वो नीचे को आ गए हैं, ड्रूप कर गए हुए हैं, उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे भी आपकी स्किन जो है वो लटकने से इवन जाउल्स नहीं रहे। अब आपको क्या लग रहा है कि आप हाइफो कराएंगे तो ये सारी की सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी? ऐसे नहीं हो सकता। डिफरेंट जो प्रोसीजर्स होते हैं वो डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है उसका स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। मेरे कहने का मकसद जो है वो ये है कि अगर मैं ऐसे फेस के ऊपर जिसके ऊपर यहाँ पे भी लाइनें हैं, रिंकल्स हैं, यहाँ से आंख लटक रही और यहाँ पे सारे के सारे रिंकल्स हैं जो कि एट रेस्ट हैं, मतलब आपके विदाउट गिविंग एनी एक्सप्रेशन हर वक्त ये लाइंस रहती हैं, यहाँ पे आपकी ट्रांसवर्स लाइंस हैं, तो क्या आप हाइफो करवा लेंगे तो ये गायब हो जाएंगी? ये गायब नहीं होंगी, यहाँ पे आपको बोटॉक्स रिक्वायर्ड होगा। तो आपको पता होना चाहिए जिस वजह से आप हमारे पास आते हैं, जो कंसल्टेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट की स्किन पे प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है और वो किस इश्यू को एड्रेस करना चाहता है। समटाइम्स स्किन इतनी खराब होती है, उसके ऊपर लाइन्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, सैग हुआ हुआ है और एक मोल पड़ा हुआ है, पेशेंट आके हमें कहता है कि मैंने ये मोल हटवाना है, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। तो ये तो आपकी अपनी विश या विल होगी ना कि आप किस चीज को सही कराना चाहते हैं, बट जो चीज आप सही कराना चाहते हैं वो किस चीज के थ्रू सही होगी वो बहुत जरूरी है। जैसे ठीक है हम यहाँ पे हाइफो कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं बस आप हाइफो ही करते हैं, अच्छा ठीक है हमने हाइफो कर दिया, उसने आपको तकरीबन 40-50% जो है वो बेहतर तो किया, लेकिन क्या आपकी मसल मूवमेंट उसने रोकती है? वो तो फिर भी हो रही है, जब वो होती रहेगी तो आपकी लाइंस तो बढ़ती जाएंगी, वो तो डे बाय डे पड़ ही रही है, वो कम थोड़ी होंगी, वो कैसे कम हो सकती है? आपको बेहतरी क्यों फील होगी? क्योंकि नई कॉलेजन इलास्टिन बनी है, बट आपके आपके जो मूवमेंट का कंट्रोल है वो तो खत्म नहीं हो गया, आप तो मूवमेंट करे जा रहे हो, आप ऐसे भी कर रहे हैं, आप हर तरह से अपनी लाइंस डाल रहे हैं और पढ़ भी सकती हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसको करवाएंगे तो ये जो अभी पड़ी हुई है वो भी 100% ठीक हो जाए और जो नई आने वाली है उसमें भी एक प्रिकॉशनरी मेजर रहे और वो ना पड़े? इसलिए ये चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या आप एलिजिबल हैं हाइफो के ट्रीटमेंट के लिए और उससे आपको कितना रिजल्ट और किस चीज में और किस किस जगह पे कितना रिजल्ट मिल सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाइफो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, मैं भी करती हूँ और पेशेंट्स करवाते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये डिसाइड कर लिया जाए कि आपकी स्किन को अगर सही करना है तो उसे किस चीज की जरूरत है, ये तो पता होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि हमने एक दिन घर में बैठ के डिसाइड कर लिया कि बस मैं हाइफो करा लेती हूँ और हाइफो जो है वो मेरे पूरे के पूरे स्किन के जितने इश्यूज हैं उसका आंसर है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है जो कि दूर होगी। हाइफो जो होता है उसका मोस्टली एक ही सेशन किया जाता है और ये आपकी स्किन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना रिजल्ट मिलता है, बट मोस्ट लाइकली जो है वो इसके अंदर 60-70% रिजल्ट आप अचीव कर लेते हैं। आपको एक अच्छा लिफ्ट मिलता है स्किन में, कॉलेजन इलास्टिन जो है वो नई बनती है तो उससे आपकी स्किन आपको पहले से टाइट लगेगी, टेक्सचर वाइज जैसे ओपन पोर्स हैं, फाइन लाइंस हैं वो भी आपको बेहतर लगेंगी, बेहतर मिलेंगी। कोई भी करवा सकता है इसको, मेल फीमेल कोई भी इसको करवा सकता है। और अगर आप ये सोचें कि अच्छा अगर किसी के फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है तो उसको क्या होगा इससे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे, उसको कुछ भी नहीं होगा इससे, मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको जो है वो डायबिटीज है या आप जो है वो हाइपरटेंसिव है यानी कि शुगर के मरीज हैं या आपका आप बीपी के मरीज हैं उसकी दवाई खाते हैं या थायराइड की दवाई खाते हैं, इन सब चीजों से इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। बेसिकली जो है ये एक इस किस्म की चीज है जो कि सेफ चीज है, इवन इस तरह के पेशेंट्स में भी जो ये मेडिसिन ले रहे होते हैं या जो ये चीजें यूज कर रहे होते हैं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप कंसल्टेशन जरूर लेंगे ताकि ये समझ में आए कि आप हाइफो के ट्रीटमेंट से कितना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और आपको कितना जो है वो उससे फायदा हासिल हो सकता है, आप कितने बेहतर नजर आ सकते हैं और स्किन में कितनी बेहतरी आ सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं तो आप जरूर उसके बारे में पूछें ताकि हम आपको अच्छे तरीके से जो है वो गाइड कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें और सेहतमंद रहें।